यूके त्रिपलासी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से आज की डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आयोग की ऑफिशियल साइट में जाकर कि क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जब आप यूके त्रिपलसी के ऑफिशियल साइट में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के प्रवेश जो हैं पत्र हैं वो आ गए हैं, एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गया है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन ये दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर CBT मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस पर जाकर के आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें टेक्निकल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस पर जाकर के क्लिक करके जो है वो यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा ऑनलाइन है तो इसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट में यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर के होंगे और इसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर दे लें यहाँ पर सबमिट करके, और जैसे ही आप यहाँ पर शुरू करेंगे तो आपका जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करते हैं टेस्ट देने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इधर आपका टाइमिंग चल रहा है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देना है। इसी प्रकार से आपका जो पेपर होगा होने वाला है वो इस प्रकार से आएगा। तो जो भी आपका यहाँ पर आंसर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है तो ये यहाँ पर सबमिट होता जाएगा, इधर आपका आंसर आता जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप क्लिक करें। अगर नहीं लगता है तो आप यहाँ पर आगे डन करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं किए, ये इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर आपको फिनिश करना है तो नीचे आ जाएगा। अगर आपको फिर से पेपर एग्ज़ाम देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में आपका नाम और ये सब आ जाएगा, तो ये आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यही एग्ज़ाम, इसी प्रकार का एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होगा। इसके साथ एक यहाँ पे जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने आज की डेट में यहाँ पर एक संवाद के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की जो और पशुधन प्रसार अधिकारी और इन सभी के जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के पदों हेतु लिखित परीक्षा सबसे पहले होगी। इस परीक्षा के लिए सभी के जो प्रवेश पत्र हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को UK3PLSC ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन ID और नंबर डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल करके अपना प्रिंट जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड निकालने के लिए तो वो उनके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो वो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी भी दिया गया है यहाँ पे, chainayog@gmail.com, इस पर जाकर भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर आपको नहीं निकाल रहा तो वहाँ से आप आपको यहाँ पर हेल्प दी जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पे दूरभाष नंबर भी दिया गया यहाँ पे, कहा कि अगर प्रवेश पत्र नहीं निकाल रहा तो आपकी सहायता की जाएगी। प्रदेश में उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट था उसके लिए OTR आवेदन पत्र में दिया गया पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में जाना होगा। अन्य सभी निर्देश प्रवेश पत्र में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को ऑनलाइन, उसके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं।